आदाब नाजरीन, आईए एनडी टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। पार्लिमानी हल्के हैदराबाद में कांग्रेस उम्मीदवार फिरोज खान ने आज जामिया निजामिया पहुंचकर बानी जामिया मौलाना अनवरुल्ला फारूकी अलरहमा की मज़ार पर चादर गुल चढ़ाई और फतेह खानी की। उनके हमरा कांग्रेसी कायदीन भी थे। बाद अजा उन्होंने अतराफ अकनाफ के इलाकों में पैदल दौरा किया और आवाम से कांग्रेस को वोट देने की अपील की। और एक भी वादा मुकम्मल नहीं हुआ और ये वादा उन्हें किस पे करते? मैनिफेस्टो पे लिख लेते कि आने वाले 5 साल के अंदर हम हुकूमत में आएंगे तो इंशाल्लाह हम ये करेंगे। और बीजेपी के मैनिफेस्टो में जो भी लिखे, चाहे वो जॉब्स रहो, ब्लैक मनी रहो, GST, डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी, हर चीज़, कश्मीर के इशू को हैंडल नहीं कर सक रहे, दामा कीमती हो गए, महंगाई बढ़ गई, कोई भी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सक रही नरेंद्र मोदी। और रही बात यहाँ स्टेट में मैं आ जाऊँ तो TRS पार्टी KCR साहब, उनका भी एक वादा पूरा नहीं हुआ। 12% मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं दिए, नौकरियाँ मुसलमानों को नहीं दिए, चलो मुसलमान नहीं, किसको भी नौकरी नहीं दिए। और रही बात वक्फ बोर्ड की जुडिशरी पावर देते बोले, नहीं दिए। डबल बेडरूम आ देते बोले, अब तक नहीं मिले किसको। ख्वातीन को स्किल डेवलपमेंट कराता हूँ बोले, लोन्स देते बोले, नहीं दिए। अब साथ साथ हमारी तीसरी पार्टी आती, MIM पार्टी तो मैनिफेस्टो ही नहीं रखती। आज तक MIM पार्टी जब से क़यादत में आई उनके पास मैनिफेस्टो ही नहीं है। और कभी भी याद रखिए, मैं बोल रहा हूँ कि मैं ये डेवलपमेंट के स्कीम्स लाता हूँ, वो डेवलपमेंट के स्कीम्स लाता हूँ, मगर आप कभी सोचे MIM पार्टी ठहर के मैं ये डेवलपमेंट लेके आता हूँ बोल के वादा करने? कभी वादा नहीं करे MIM पार्टी। और आज हैदराबाद की हालत खेड़े गांव के वैसी है। यहाँ की आवाम काबिल, शरीफ और गरीब है और इनके सरपरस्त लोग करोड़पति है। बस आप तवज्जो दीजिए, हर एरिया डेवलप हुआ, हैदराबाद और ओल्ड सिटी क्यों नहीं डेवलप हुआ? तो उसके लिए फिरोज खान क्या बोले? ये बोल रहे हैं कि ओल्ड सिटी जो नाम है, मैं वो ओल्ड सिटी नाम बदल देने का है और उसको गोल्ड सिटी बनाना है। क्योंकि मैं 100 जनों से मिलता हूँ तो 60 जने यंग हैं, जवान हैं, उनके पास हुनर है, उनके पास जोश है, उनके पास ख्वाब है, उनके पास उम्मीद है। खाली एक ही चीज़ जो हुकूमत को करना है और यहाँ के लीडर्स को करना है, वो उनको अपॉर्चुनिटी दिलाना है, उनको मौके दिलाना है, मगर कहाँ भी मौका नहीं मिल रहा। ओल्ड सिटी के अंदर हर जगह बेरोजगारी, गरीबी, और इसके लिए कांग्रेस एक बेहतरीन स्कीम लेके आ रही और वो स्कीम है मिनिमम इनकम गारंटी। हर एक गरीब घर को कांग्रेस पार्टी महीने को 6,000 देगा और साल में खा सकेगा, पढ़ सकेगा और कुछ भी छोटी मोटी बीमारी रही तो उसको देख सकेगा बोल के कांग्रेस पार्टी इतना बेहतरीन एक स्कीम लेके आ रही। और जैसा कांग्रेस पार्टी इतना बेहतरीन स्कीम ले लेके आ रही, सामने वाली जमात बीजेपी और यहाँ की जमात MIM, अरे कितों को देते, कैसा देते, नहीं दे सकते। अरे हाउ साहब, आप लोग तो ये स्कीम नहीं ला रहे ना और आप लाना नहीं सोचे ना? एक कांग्रेस पार्टी एक ईमानदारी की गरीबों को मदद करने के लिए स्कीम ला रही। अब नरेंद्र मोदी साहब सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में इतना चीखते, वो कितनी हकीकत है अल्लाह को मालूम, मगर कांग्रेस पार्टी क्या कर रही? सर्जिकल स्ट्राइक कर रही गरीबी के ऊपर। और हम ये सर्जिकल स्ट्राइक गरीबी के ऊपर करते बोल तो नहीं होता, नहीं होता। हम पावर में आए बाद नहीं करे बाद आप बोलिए। तो मैं हैदराबाद की आवाम से और ओल्ड सिटी, इतनी बेहतरीन स्कीम कोई पार्टी में नहीं है साहब। और सेकंड, इंशाल्लाह कांग्रेस पार्टी हुकूमत में आएंगी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री को हम चार मीनार के पास लेके आएंगे।
آج سر زمین چار مینار سے میں بات کر رہا ہوں، یہ چار مینار کے حلقے میں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتے رہیں۔